चंडीगढ़ में भगवंत मान की ताजपोशी किए जाने पर लुधियाना से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने बधाई दी है और साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा है। कहा है कि पंजाब में नशे के मुद्दे पर विक्रम मजीठिया से अरविंद केजरीवाल द्वारा माफी मांगने, भगवंत मान द्वारा इस्तीफा दिए जाने वह हमारी पार्टी की ओर से अलार्म तोड़ा गया और कहा सब 2019 लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिकरण है। वहीं लुधियाना से लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए बैंस ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें हुक्म लगाएगी तो वह चुनाव लड़ेंगे। कहा कि दोआबा में बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें और खैरा पार्टी को बठिंडा से 1 सीट, लोक इंसाफ पार्टी को लुधियाना से 1 सीट व बाकी 7 सीटें फ्री रखी गई हैं। कहा कि अगर पार्टी से हुक्म लगाया गया कि हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ लड़ना है तो वे वहां भी लड़ेंगे। लुधियाना लोकसभा लई लोक इंसाफ पार्टी 7 सीटां असी सिंगल टिक कीतियां ने, मतलब जिन्हां दे उत्ते कोई दो रामा नहीं, पार्टियां दे विच वंड कीती आ। पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस दे विच शामिल सारियां धिरां किहड़े किहड़े सैगमेंट तो इलैक्शन लड़नगियां वो सैगमेंट वाइज खबर हैगी आ। उहदे च हजे उम्मीदवार घोषित करनगे किहड़े सैगमेंट तो किहड़ा कैंडीडेट चोण लड़ेगा ये तय करके तुहाडे कोले जरूर आवांगे। वैसे देखा जावे तुसीं तैयार होवो ते मैं तां पहलां कह के हटिया।